जरूरी है, क्योंकि ये बाइक जो है इसका बैटरी डिस्चार्ज हो सकता है, मे भी प्रॉब्लम फंस सकते हैं, इसीलिए थोड़ा कम से कम 2 या 3 किलोमीटर आपको डेली चलाना होगा। और अभी हम इसी के लिए अभी हम लेके चले आए। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। और आज मैं अपने इस वीडियो में AZEKAM के माइक का टेस्टिंग करने जा रहा हूँ, जो मैंने अमेजोन से मंगाया था। और मैंने इसे लगभग 1500 रुपये में मंगवाया था, और अभी कितना प्राइस है पता नहीं। और मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। और ये मेरा AZEKAM है AZE Air 8, जिसमें मुझे ये माइक लगाना है। और ये उस कैमरे का वाटरप्रूफ केस है, जिसकी तरफ मैंने एक होल बना दिया है माइक को सेट करने के लिए, इस एक्सटर्नल माइक को सेट करने के लिए। और ये मेरे पास मेरा हेलमेट है, जहाँ मुझे ये कैमरा माउंट करना है। और माउंट करके अभी मुझे बाज़ार निकलना है। एक्चुअली मुझे बाज़ार में भी कुछ काम है, मुझे आम ख़रीदना है। मेरे घर वाले बहुत बोल रहे थे कि इस बार आम अच्छे से नहीं खाए हुए हैं, तो अभी मैं मार्केट निकल रहा हूँ कुछ मैंगोज़ वगैरह लेने के लिए। तो इस बहाने ही मेरा माइक टेस्टिंग भी हो जाएगा, इसका आवाज़ क्वालिटी क्या है, कितना अच्छा है, कितना अच्छा कैच करता है, तो देखेंगे इस एक्सटर्नल माइक का टेस्टिंग करके भी। तो अभी हम निकलते हैं, तो सेटअप कर लेते हैं। हम तो डर ही गए थे, पता नहीं बाइक स्टार्ट नहीं होगा कि नहीं होगा। यही प्रॉब्लम के कारण जो है हम अभी बाइक अल्टरनेट 1 दिन 2 दिन पे निकाल रहे हैं बराबर, क्योंकि ये गाड़ी में किक नहीं है और इसका स्टार्टिंग जो है सिर्फ बैटरी पे डिपेंड करता है। तो गाड़ी को कंटिन्यूसली मतलब चलाते रहना है, मतलब ज़्यादा दिन का गैप नहीं होना चाहिए, नहीं तो बैटरी बैठ जाएगा तो गाड़ी मतलब अगर बैटरी डिस्चार्ज हो गया तो फिर गाड़ी चलाना फिर मुश्किल हो जाएगा, फिर पता नहीं कैसे होगा ये ठीक। मुझे शोरूम वाले से कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा, मतलब सर्विस सेंटर कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा गाड़ी को चलाने के लिए। तो अभी निकल रहे हैं मार्केट, आम वगैरह लेना है, कुछ बाज़ार का भी कुछ सामान लेना है। तो माइक टेस्टिंग हो रहा है, AZEKAM का एक्सटर्नल माइक लगाया हुआ है कैमरे में रिकॉर्डिंग हो रहा है, और देखते हैं रिकॉर्डिंग के बाद कैसा इसका माइक टेस्ट, कैसा इसका आवाज़ क्वालिटी है। सबसे पहले पेट्रोल, एक्चुअल में अभी हमको मात्र 200 रुपये का पेट्रोल भराना है, क्योंकि हमको माइलेज टेस्ट का बनाना है एक वीडियो और उसमें फुल टंकी करना होता है। 200 रुपये का भर दीजिए। कैमरा कैमरा एक्शन कैमरा। दो सौ बीस का कर दीजिए। ठीक रहो ना, हाँ सब कुछ ना।
ये लालू है कच्चा, कैसे दे रहे हो? तेरी अभी तो ले गए हाल फिलहाल हम। ये बम्बे कैसे है? ये बम्बे पक गया जी? नहीं भैया, पक्की पक गया तो ओ पक्की ग्लो बने हो तू, पक्की ग्लो बोल लियो तो कच्चा छ तो जर ले चलो ले च बम्बे कहाँ कच्चा पक लो कैसे देना? 1200 तो नहीं छुपा रेट जैसे वहाँ। अरे अभी तो लग गए ले छी जे रेट से ले जल्दी देवे दे परसा और लो छो 1000 रुपया छे नहीं नहीं तब हम 1000 लो छो आगू बढ़ी जबो हाँ आगू बढ़ी जबो 1000 ठीक ना ओकरा से लेना जे 25 ठो जरदालू और 25 ठो तो बम्बे दे दे जल्दी से हले हले प्रबंध तो तो हो गए तो यही है आम का बाजार। बारिश के कारण हमको ज्यादा नहीं करना पड़ा बार्गेनिंग, 1000 रुपया सैकड़ा मिलता है। बांध दिया ठीक से? तो अभी बारिश तेज है इससे जल्दी जल्दी निकल जाते हैं, बारिश में फंस गए हम। हाँ तो अभी बारिश ख़त्म हो गया और लगभग आधा घंटा हमको इंतज़ार करना पड़ा। ये आम ले लिए हैं, इसको फिर से जरा हम ठीक से बांध लें ताकि ये गिरे नहीं। अभी तो जल्दी जल्दी में जैसे तैसे बांध दिए थे क्योंकि बारिश बहुत तेज़ हो रहा था। तो बहुत दुलारा बनता है, बहुत ज्यादा। बाप रे बाप, ए इधर आ, नहीं नहीं कम कम, चल चल, हाँ अंदर आ, हाँ बाहर नहीं जाना है। क्या हुआ तुम्हारा आज? खाए? इसको दे दिए थे ना, खा के एकदम मस्त है ना। पुद्दू पुद्दू खा के मस्त है। तो गाइज इस SJKM के एक्सटर्नल माइक का टेस्टिंग मैंने कर लिया और ये माइक बहुत अच्छा है। थोड़ा सा इसमें बजिंग का साउंड आ रहा था जो हम दूर कर सकते हैं। जस्ट इस माइक के ऊपर कॉटन का 2-3 लेयर लपेट देना है और टेप लगा कर इस कवर को आप लगा दीजिए और माइक को जो हेलमेट में अच्छे से फिक्स कर दीजिए तो ये बजिंग का साउंड ख़त्म हो जाएगा। और एक बात ये कहना चाहूँगा कि SJKM में SJKM का ही माइक सपोर्ट करता है, इसलिए अगर आपके पास SJKM का कैमरा है तो आप SJKM का ही माइक यूज करें क्योंकि अदर माइक को ये सपोर्ट नहीं करता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप बताइएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।